हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करा सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। करने के बाद डिजाइन व्यू में आ जाएंगे और यहां से हम डिजाइन करेंगे। चूंकि हम स्टूडेंट का ही डेटाबेस हमेशा लेते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी होगी। स्टूडेंट आईडी नाम से हमने बना लिया है और यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर चूंकि ये प्राइमरी की होती है, यू नो अबाउट प्राइमरी की, इसको मैंने ऑटो नंबर रखा है। इसको मैं ऑटो नंबर के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट। रोल नंबर को मैं करता हूँ टेक्स्ट डेटा टाइप। ओके, इसके बाद हम आएंगे नीचे, स्टूडेंट नेम डालेंगे और ये होगा नंबर डेटा टाइप, सॉरी टेक्स्ट डेटा टाइप। इसको भी हम टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे और इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो स्टूडेंट्स का जो डिटेल होगा, जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट जो भी मार्क्स गेन करेगा वो आएगा इसमें, ठीक है। या फिर हम फादर्स का भी डिटेल ले सकते हैं, तो यहाँ फादर्स नेम डाल देंगे, ठीक है, फादर्स नेम। ओके, इसके बाद नीचे आएंगे तो फिर यहां पर मदर्स नेम और देन एड्रेस डालेंगे और ये सब टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। इसके बाद इसको हमको करना है, वापस से हम जाएंगे डेटा शीट व्यू में, इसको सेव करेंगे और डेटा शीट व्यू में जाएंगे। ये हम डेटा शीट व्यू में आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम रोल नंबर वगैरह डाल सकते हैं। इससे पहले कि हम रोल नंबर डालें, हमें एक दूसरा टेबल बनाना है यहीं पर, तो क्रिएट पे जाएंगे और फिर दूसरा टेबल भी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। हमको इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करानी है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने और इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट क्यू। स्टूडेंट की जो क्वेरी है यानी कि जो रिजल्ट जो हम बनाएंगे वो यही बनाएंगे, तो स्टूडेंट क्यू दे दिया नाम हमने। और सबसे ऊपर रखेंगे हम रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी होगी और ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी ये होगी नंबर डेटा टाइप। ओके, तो इसको नंबर डेटा टाइप रख लेते हैं हम और उसके बाद फिर स्टूडेंट का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे डालते जाएंगे हम, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे। पहले में हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था, इसमें हमने रजिस्ट्रेशन आईडी को प्राइमरी की बनाया है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पे जो भी रोल नंबर है पुराना वाला ही रोल नंबर यहाँ पे हम डालेंगे। वहां पर हमने टेक्स्ट डेटा टाइप लिया था, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, टेक्स्ट डेटा टाइप लेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो डेटा टाइप है वो सेम डेटा टाइप हम रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अब मार्क्स डालेंगे, पहले सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, जैसे सपोज कीजिए कंप्यूटर साइंस पहला सब्जेक्ट है हमारा, तो कंप्यूटर साइंस यहाँ डाल देते हैं। नेम डालते हैं सब्जेक्ट का, तो कंप्यूटर साइंस हो गया। इसके बाद इसको नंबर डेटा टाइप रखेंगे, देन आएंगे नीचे यहां पर डालेंगे साइंस, इसको भी नंबर डेटा टाइप। इसके बाद लास्ट एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं हम जिसका नाम है ड्राइंग और इसको भी रखेंगे हम नंबर डेटा टाइप। देन नीचे हम एक और फील्ड नेम देंगे जिसका नाम है ऑब्टेन्ड मार्क्स, OBTAINED। तो ये हो गया हमारा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और एवरेज भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली, नो प्रॉब्लम, हम वो भी निकाल ही लेते हैं। डेटा टाइप ही रखना है हमें, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज भी निकाल लेते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशन। कंडीशन हमें देनी है यहाँ पे क्योंकि हम चाहते हैं ग्रेड देना, तो ग्रेड भी दे देते हैं यहाँ पे। तो नीचे ग्रेड का एक कॉलम बना लेते हैं, बहुत ही ईजी है, नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा सारी चीजें, बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। और ग्रेड को भी हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप, ठीक है। अब हमको रिलेशनशिप बिल्ड कराना है इन दोनों के बीच में, तो हम कहां जाएंगे रिलेशनशिप बिल्ड कराने के लिए, हम जाएंगे डेटा शीट। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, मेन्यू बार दिया हुआ है, डेटा शीट, यहां पर जाएंगे और रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये शो टेबल वाला ऑप्शन डिस्प्ले होगा। स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट क्यू को, दोनों को इंसर्ट करा लेंगे बारी बारी से, इतना तो आप जानते ही हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, रोल नंबर को उठाएंगे जो स्टूडेंट क्यू, ठीक रोल नंबर के सामने स्टूडेंट आईडी वाला जो डेटा है उसके ठीक सामने डाल देंगे ले जा करके, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, रोल नंबर के ठीक सामने रखेंगे इसको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं, रोल नंबर के सामने रखना है हमें, तो इसको उठाएंगे और रोल नंबर के ठीक सामने ले जाकर इसको रख देंगे, रोल नंबर। ओके, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे भी क्लिक करना है, इसको एक बार और फिर से करते हैं हम। इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यहां पे दिया हुआ है नीचे, यहां पे क्लिक कीजिए और ये जो नीचे ऑप्शन है इन दोनों पे भी आप क्लिक कर सकते हैं,
ठीक है, वन टू मेनी रिलेशनशिप हम बिल्ड करा रहे हैं, नीचे आ रहा है लिखा हुआ वन टू मेनी रिलेशनशिप। अब आपको ओके पे करना है क्लिक, तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके ओके, ये ओपन है जिसके वजह से ये हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुड नॉट लॉक स्टूडेंट क्यू बिकॉज ऑलरेडी इन यूज। ओके सो इसको यूज में ये ऑलरेडी है जिसके वजह से ये, तो पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये स्टूडेंट वाला डेटाबेस है इसको हम पहले करेंगे क्लोज, ठीक है, यहाँ से इसको भी करेंगे क्लोज, ठीक है। अब हम इसको इसका रिलेशनशिप जब बिल्ड कराएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको हटाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किया हमने और ये कर दिया हमने। अब यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये वन टू रिलेशनशिप, ये शाइन जो है डिनोट करता है कि आपका रिलेशनशिप सफलतापूर्वक किया जा चुका है, ठीक है। इसका फायदा अभी हमें पता चलेगा। हम चलते हैं फिलहाल स्टूडेंट आईडी वाले टेबल पे, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना रोल नंबर और जो कुछ भी डालना है वो हम डालेंगे, रोल नंबर वन और स्टूडेंट नेम जो भी है हम डाल देंगे, जैसे पहला स्टूडेंट नेम हमने डाल दिया शिव मिश्रा, फादर्स नेम जो भी है यहाँ पे डालेंगे डॉक्टर दिनेश मिश्रा, ठीक है, मदर्स नेम, और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, तो ये हमने डाल दिया एड्रेस भी। इसके बाद सेकेंड स्टूडेंट का नाम डालेंगे, ओके, और इनके फादर्स का नेम, इसके बाद इनके मदर्स का नेम, ओके, इट्स वेरी इजी, और एड्रेस डाल देंगे यहां पे, ठीक है। कम से कम चार से पांच स्टूडेंट का नाम हम लिख लेते हैं, ये जरूरी है, तभी आपको रिलेशनशिप वाली बात समझ में आने वाली है, अन्यथा ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो यहां से चार से पांच नाम हम इंसर्ट करवा लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, यहां पे इंसर्ट नहीं करवाएंगे, लिखेंगे, टाइपिंग करना होगा हमें, तो ये हमने टाइप किया, ठीक है, और यहां पे एड्रेस डाल देंगे जो भी एड्रेस है, न्यू कॉलोनी देवरिया या देवरिया सिर्फ डाल देंगे, यहां पर डाल देंगे हम फादर्स नेम और यहां मदर्स नेम। ये डेटा एंट्री तो आपको करना पड़ेगा, विदाउट डेटा एंट्री आपको रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं डेटा एंट्री कर दे रहा हूं। अब क्या करूं, मैंने पहले से डेटा एंट्री करके नहीं रखा था, तो आपको ये भी थोड़ा झेलना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए ये तो हो गया, हमारे पास चार आइटम हो गए हैं हमारे पास। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्यू वाले डेटा टाइप, जो हमने टेबल बनाया वहां चलते हैं, स्टूडेंट क्यू डबल क्लिक करेंगे और वहां पहुंचेंगे। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालिए, ध्यान रहे रोल नंबर जो पुराना वाला आपने डाला है वही रोल नंबर रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर में डिफरेंस कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, आप एक भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि अलग अलग रख लीजिए, रजिस्ट्रेशन आईडी अलग होगी, ठीक है, और रोल नंबर सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में मार्क्स दे देंगे हम, ठीक है, साइंस में मार्क्स दे देंगे जो भी है। तो अभी मैं मार्क्स नहीं देता हूं, अभी हम चलते हैं क्रिएट पे, क्योंकि हम कैलकुलेशन वाला काम पहले करेंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन, और यहां से हमारा जो टेबल है वो है स्टूडेंट क्यू वाला, तो उसको हम क्लिक करेंगे वहां पे और ऐड करवा लेंगे इसको। यहां से ऐड करवाने के बाद यहां पे लाइन वाइज इसको इंसर्ट करवाते हुए चलेंगे, क्लोज करेंगे इसको, और पहले रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करेंगे, देन रोल नंबर पे क्लिक करेंगे, देन कंप्यूटर साइंस, देन साइंस, इसको लाइन वाइज इंसर्ट करवाते हुए चलेंगे। एक भी चीज मिस्टेक हुई तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास तीन सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में इंसर्ट कराइए, और तीनों, उसके बाद जो तीनों कैलकुलेशन वाले आइटम्स है, इवन फोर कैलकुलेशन वाले आइटम है, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज और ग्रेड, ये सारे आपको प्रॉपर वे में इंसर्ट करवा लेने हैं। नाउ अब यहां से काम शुरू होता है हमारा, यहां पर आपको क्या करना है ये देखिए, मैं आपको, आप यहां पे भी कोलन लगा करके काम कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, आपको प्रॉपर वे में दिखाई पड़ेगा, मैं इसको जूम कर लेता हूं और यहां से साइज इसकी थोड़ी बढ़ा देता हूं, यहां से देखिए मैं साइज इसकी बढ़ा रहा हूं, यहां पे 18 कर देता हूं साइज, अब आपको कायदे से दिखाई पड़ेगा ये। तो यहां पर सबसे पहले कोलन लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए, आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और इसमें लिखिए कंप्यूटर साइंस, क्योंकि पहला सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस है, तो जैसे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस वैसे लिख लीजिए आप, नो प्रॉब्लम, एस सी आई ई एन सी लिखना है हमें, एस सी आई ई एन सी ई, क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन प्लस का साइन लगाइए, चूंकि ये ऑपरेटर है तो इसको हम बाहर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा,
फिर साइंस ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तो एक भी अगर आपने मिस्टेक करी तो ये आपसे नहीं होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कहते हैं मेरे से नहीं हो रहा है, फिर मैं दूसरी वीडियोस भेजता हूँ उसमें क्लियर दिखाई पड़ता है तो उनका हो जाता है, तो वो थैंक्स भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम कायदे से इसको करिएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बहुत आसानी से हो जाएगा, यकीन कीजिए मेरा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने सिखाया ये, और आप सीख सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको भी और भी अच्छे से सिखाऊंगा। वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, चूंकि तीन ही सब्जेक्ट हैं, तो बस हो गया हमारा काम। ओके पर क्लिक करेंगे, नाउ आएंगे अब हम परसेंटेज पे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यस, तो अब यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, तो यहाँ पे कोलन लगाइए, सबसे पहले कोलन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए, और यहाँ पे लिखिए टोटल, सॉरी ऑप्टेन मार्क्स है ना, हेडिंग हमारी क्या है यहाँ पे, ऑप्टेन मार्क्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टेन मार्क्स लिखा हुआ है, तो वही स्पेलिंग के साथ आपको लिखना है, ये बात ध्यान देनी है, OBTAINED मार्क्स, MARKS, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो अभी कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, 3 सब्जेक्ट है, यानी 300 मार्क्स की बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 × 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 300 कर देंगे, यानी 300 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद अब यहां आएंगे एवरेज पे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और यहां से जूम पे जाएंगे, और यहां से हम कोलन लगा लेंगे, कोलन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा एवरेज कैलकुलेट होकर आने वाला है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख लीजिए यहां पे, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने के बाद कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास, 3, तो अपॉन 3 कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका एवरेज कैलकुलेट, ओके कर दीजिए। इसके बाद आ जाइए आप ग्रेड पे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े ही आसानी से एक्सेल में इफ का फॉर्मूला लगा करके खटाखट ग्रेड निकालते जाते हैं, वो निकलता जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा कंडीशन अलग है, यहाँ आपको लगाना है कोलन और लगाना है फॉर्मूला IIF, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है IIF, यहाँ पे कंडीशन अलग है, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट बनाइएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ना बनाइएगा, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, अब देन बनाइए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहां पे लिखिए, चूंकि हम ये बताइए कि हम एवरेज सॉरी हम ग्रेड किस पे कैलकुलेट करते थे एक्सेल में, एक्सेल में हम ग्रेड तब कैलकुलेट करते थे जब हम एवरेज निकाल लेते थे, ठीक है। तो यहां पर भी हमें लिखना है एवरेज, चूंकि हमने एवरेज यहां कैलकुलेट किया है, आपको दिख रहा है ये, तो एवरेज की स्पेलिंग सेम लिखिएगा, AVERAGE, ठीक है। एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं चूंकि ए लेवल ओ लेवल का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं आपको, पहले एस ग्रेड आएगा, 85 या 85% से अबव जो स्टूडेंट पाते हैं उन्हें एस ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। तो एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, कॉमा, डबल एटेड कॉमा में हमें लिखना है अब एस, कॉमा देंगे, फिर लगाएंगे IIF, यानी इफ। अब देखिए, अब ऐसी ही गलती स्टूडेंट करते हैं, देखिए हम बिगिनर हैं तो हमसे ये गलती हो रही है, ठीक है, आपसे ये गलती हो रही है, ठीक है। यहां पर रखेंगे इसको और इसको पहले क्लोज करेंगे, नहीं तो आप परेशान रहेंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया हो नहीं रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो यहां पर रखिए, अभी फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, फिर एवरेज लिखिए, ठीक है। अब करिए एवरेज के ब्रैकेट को क्लोज, देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, कॉमा, इसके बाद आप लिखिए ए ग्रेड, डबल इंटेड कॉमा में, फिर लगाइए कॉमा IIF, स्क्वायर ब्रैकेट, एवरेज AVERAGE इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। अब देखिए, बिगिनर से ये गलतियां होती हैं, मुझे पता है, IIF है, यहां पर IIF करना है हमें, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, कई बार अभ्यास करेंगे तो ये भी होगा, ठीक है। मैं भी बिगिनर था तो ये सब गलतियां होती थी मुझसे, तो ये बी ग्रेड, ठीक है। इसके बाद फिर हम करेंगे IIF, ओके, पहले स्मॉल ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट में एवरेज AVERAGE, स्क्वायर ब्रैकेट को करिए क्लोज, देन लगाइए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। अब आएंगे हम 55 पे, कॉमा सी ग्रेड,
कॉमा IIF। भाई देखिए हमारे यहाँ तो ओ लेवल में 50% से कम वाले फेल होते हैं, तो हम यहाँ फेल ही दिखाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ जो कंडीशन हो उस कंडीशन के हिसाब से आप लगाइएगा। मैंने एक कंडीशन आपको दिखा दी, तो यहाँ पे इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 कॉमा डी ग्रेड इफ कंडीशन दो वैल्यूज होल्ड करता है, सो लास्ट में हम दे सकते हैं डबल इंटेड कॉमा में दोबारा से फेल्ड FAILED, क्लोज करेंगे। अब हमें ब्रैकेट कितने क्लोज करने हैं ये ध्यान दीजिएगा, पहला 85 वाला उसके हिसाब से आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, करिए यस 85 75 फिर 65 फिर 55 फिर 50, पांच ब्रैकेट क्लोज होंगे, नो प्रॉब्लम। यहां से ओके प्रेस कीजिए और यहां से करना है हमें रन पे क्लिक। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे ये अपने आप देखिए यहाँ फेल्ड आ रहा है, अभी हमने नंबर यहाँ दिए नहीं है, अभी नंबर मैं देता हूं तो देखिए यहाँ पे जादू क्या होगा। ये पहले मैं सिखा दूं फिर हम लोग चलेंगे रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप वाली बात भी करते हैं अभी। पहले यहाँ मार्क्स मार्क्स दीजिए आप, कंप्यूटर साइंस का मार्क्स दीजिए, ओके यहाँ पे देखिए ये कॉलम छोटा पड़ रहा है, तो ऐसी एरर नहीं है ये, एक्चुअली कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए आप परसेंटेज भी आ रहा है, एवरेज भी आ रहा है, और ये देखिए ये बच्चा फेल है। अभी देखिएगा जादू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 45 जो किया है ना इसको मैं करता हूं 95, ठीक है। अब देखिएगा जादू क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज ग्रेड सब कुछ बदल गया, आप देख सकते हैं कितना आसान है करना, ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन और ये काम बहुत ही हो जाएगा आसान। अब दूसरा यहाँ पे दूसरा रजिस्ट्रेशन आईडी लिखते हैं किसी का, ठीक है, और रोल नंबर, चलिए आगे ओके। तो यहां पे ये भी आ चुका है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट टेबल, ये जो स्टूडेंट आईडी वाला जो हमने बनाया था, जो रिलेशनशिप हमने क्रिएट कराई थी वहां पहुंचते हैं हम। तो यहां पे देख रहे हैं आप ये प्लस का साइन आपको एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रहा होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे उस स्टूडेंट की जिसका रोल नंबर एक है इसकी पूरी डिटेल यहां खुल करके आ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे इसकी पूरी डिटेल खुल करके आ रही है। अब ये कारण क्या है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्वेरी है, ठीक है। इसके लिए एक अलग से, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी मैं इसको बताना शुरू करूं तो ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूं कि क्वेरी इसमें क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, क्वेरी भी आ जाएगी नो प्रॉब्लम। इसको छोटा करना, यहां से छोटा कर लीजिए, इतना रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां पे क्लिक कीजिए, इनका पूरा डिटेल दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए ऑब्टेन मार्क्स वगैरह सब कुछ आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक ही जगह से हम कई सारे डेटा को यहां पे देख सकते हैं, ये काम होता है रिलेशनशिप बिल्ड कराने का। तो यहां पे देख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए इसको मैं अभी हटाता हूं, यहां पे शिव मिश्रा की हमें डिटेल देखनी है, ठीक है, तो यहां पे क्लिक कीजिए, इनकी पूरी डिटेल आ गई, इन्होंने इतने मार्क्स गेन किए, क्या किया, कैसा किया, सब कुछ यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि क्वेरी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि क्वेरी हमने बाद में लगाया है, इस वजह से ये नहीं आ रही है, ठीक है। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको बताऊंगा तो अभी इसको हम बाद में सीखेंगे, अभी आपको ये समझ में आया कि हम क्यों इसको लगाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको काफी शिक्षा मिलेगी और काम आपका काफी आसान होगा एमएस एक्सेस पर काम करने का। आगे के लिए हम और भी बात करेंगे कि क्वेरी को कैसे साथ में लगाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।